हेलो सर, हाउ आर यू? जैसे सर हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग आवर वेबसाइट और एनीथिंग पटेला डॉट कॉम, डोमेन आपके पास है तो लेट्स स्टार्ट विद द वेबसाइट परफॉर्मा दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू अ वर्क। ठीक है सर, हम आपकी वेबसाइट 5 पेजेस की बना रहे हैं। ठीक है, मेन हेडिंग्स आएंगी। ठीक है, अबाउट अस जिसमें आपकी हिस्ट्री होगी, गैलरी जिसमें आपकी इमेजेस आएंगी, प्रोडक्ट्स जिसमें ग्रॉसरी, यूज़र विल सेलेक्ट प्रोडक्ट क्वेरी फॉर्म। ठीक है जी, एंड ग्रॉसरी आ गई, यूज़र सेलेक्ट प्रोडक्ट क्वेरी फॉर्म। ठीक है जी, यूज़र विल ऑर्डर, यूज़र जब ऑर्डर करेगा ना क्वेरी फॉर्म के ऊपर तो आपके पास ऑर्डर रिसीव होगा एक ईमेल के थ्रू। ठीक है जी, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होगा और फ्यूचर में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद कैश। ठीक है जी, जो आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं एफ इंस्टा एंड यूट्यूब। ठीक है जी, हम उनको लगाएंगे इस तरह से कि ताकि बंदा सीधा आप तक रीच कर पाए, फेसबुक पर आपकी पोस्टिंग्स देख सके, यूट्यूब पर आपकी वीडियोस देख सके। ठीक है जी, एक आइकन्स लगेंगे। ठीक है जी, इसका क्वेरी फॉर्म आता है। तो क्वेरी फॉर्म में क्या होता है कि जो यूज़र है ना वो आपको फीडबैक दे सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी, ये बहुत डिपेंड करता है, इससे हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं आगे जाकर। ठीक है सर, इसके बाद है चैट ऑप्शन, 24x7 चैट। 24 चैट में क्या होगा कि बंदा आपसे सीधी बात कर सकता है। ठीक है जी, यूज़र फीडबैक आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी, इसका बेनिफिट ये है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, गूगल मैप्स सीधा बंदा आप तक पहुंच जाएगा कि लोकेशन आपकी ट्रेस करके। ठीक है सर, इसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट, दैट हमें टाइम लिमिट कितना लगेगा, ये हमारा टाइम फ्रेम है सर। ठीक है जी, कि हम टाइम फ्रेम कितना लगा रहे हैं, कितने टाइम फ्रेम में हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा टाइम फ्रेम है। इन फ्रंट एंड ऑफ फ्रंट डिज़ाइन, इसमें क्या होता है कि हम ये मतलब देखते हैं कि हमारा जो जब हम बेस स्टार्ट करते हैं वेबसाइट का, बेस उसकी थीम्स वो बनती कैसे है। ठीक है ना, उसके लिए 5 डेज लगेंगे हमें कि हमने उसे बनाना कैसे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रंट एंड डिज़ाइन, जिसमें हमारी सारी की सारी कोडिंग आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज, इसको 5 डेज लगेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज। नेक्स्ट हम तक कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन में क्या होता है, इसका हम सारा करते हैं काम की टेम्पलेट्स लगाते हैं इसमें, मोस्ट ऑफ इसमें सब कुछ मेन्यूज ठीक करेंगे हम इसमें। ठीक है ना, वैसे हम इसमें सब कुछ ठीक करेंगे, वो कुछ हम इसे प्लगइन्स वगैरह लगाएंगे कुछ। ठीक है जी, उसमें भी लग जाएंगे सर तकरीबन 7 to 8 डेज। ठीक है जी, इसके बाद रिस्पॉन्सिव एंड लाइव, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव लाइव करना कि वेबसाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है जी, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी इसमें कि वेबसाइट कितना तेज़ हमें रिस्पॉन्स दे रही है, इसी पर ही सब कुछ डिपेंड है। ठीक है जी, इसके बाद सर आता है हमारा प्राइस एंड लिमिट, अप फ्रंट डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया पहले। ठीक है जी, अप फ्रंट डिज़ाइन में क्या आएगा, हमारी सारा वेबसाइट का थीम वगैरह 5000 की। ठीक है सर, उसके बाद आएगा हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइन, जब हम कोडिंग वगैरह करेंगे अपनी सारी। ठीक है जी, कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन में क्या होगा, हम अपना सारा ही उसका जो जैसे टॉक टू सेट करेंगे उसमें, गूगल मैप सेट करेंगे, सब कुछ लाइव एंड रिस्पॉन्सिव 4000। हमारा का टोटल प्रोजेक्ट बनता है 18,000 का। ठीक है जी, हमारा ओवरऑल वेबसाइट बनती है 18,000 की। अब आप हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, व्हाट सर, डोमेन एंड होस्टिंग आपकी होगी। ठीक है जी, डोमेन होस्टिंग आपकी होगी, कंटेंट आप हमें प्रोवाइड करेंगे, इमेजेस हाई क्वालिटी एंड सोशल मीडिया लिंक्स। हम आपको कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन देंगे विद इन 15 डेज ऑफ फ्री मेंटेनेंस, मतलब 15 दिन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है और डिफेक्ट्स लगते हैं आप हमसे करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है सर, कोई भी क्वेरी हो आप सीधा डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि फॉल्ट्स हैं वेबसाइट में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। ठीक है सर, वी विल रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। श्योर सर, ओके जी, थैंक यू।